मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ तो बोलो, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? और सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? जून खत्म हो गया, मतलब सॉरी जून स्टार्ट हो गया, मई खत्म हो गया। ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पढ़ रहे हो यार? अब डिफरेंशिएशन खत्म होना चाहिए, बहुत देर तक हम लोग पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन काफी लंबा चल रहा है। सिक्सटी फाइव 47 49। ओके ओके ओके। और बताओ 50 तक में किसी को दिक्कत? 50 तक में बताओ, क्वेश्चन नंबर अप टू क्वेश्चन नंबर 50 तक में किसी को दिक्कत है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर अप टू 50 मौसमी का 50 नंबर क्वेश्चन तक। ओके फोर्टी सेवन। जस्ट मैं मिनट, एक मिनट कोई क्वेश्चन निकालने दो। ठीक है 47 और 49। ठीक है 47 49। देखो 47 में क्या है, 47 में क्या है, यू बराबर मान लो एक्स के पावर एक्स, यू बराबर मान लो एक्स का पावर एक्स, और वाई वी बराबर मान लो क्या, वाई का पावर वाई है नहीं, वाई का पावर एक्स है, वी बराबर मान लो वाई का पावर एक्स। ठीक, ये मान लो। ठीक है ठीक, ये मान लो। ठीक है ठीक। अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस है माइनस है, प्लस है प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे यू जो है ना, अब u बराबर x का पावर x माने हैं तो क्या हो जाएगा, log u, log ले लो, log u इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x, x log x, और log v बराबर क्या हो जाएगा, log v बराबर हो जाएगा x log y। ठीक है ठीक। मौसमी यहां तक आया था, बताओ यहां तक की थी, अब इसके बाद कुछ है नहीं। ओके आंसर नहीं आया क्या, बोलो आंसर नहीं आया? चलो 1 बाई यू
वन बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो x का डिफरेंशिएशन log x हो जाए, x का वन हो जाएगा तो बचेगा क्या log x, ठीक, प्लस अब x का रहने देते हैं, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का वन बाई एक्स हो जाएगा, तो x बाई x कट जाएगा, बचेगा क्या वन, ठीक, कोई दिक्कत? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, ओके। वैसे ही वन बाई वी, वन बाई वी इक्वल टू हो जाएगा वन बाई वी इंटू डी यू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, वन बाई वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देखो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा क्या log y, प्लस अब x रहने देते हैं, log y का हो जाएगा x अपॉन y, x अपॉन y, ठीक है, log y को डिफ्रेंशिएट किए तो y तो आया 1 by y, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आएगा क्या dy अपॉन dx, ये की थी, ये आई थिंक हमको लगता है तुम्हारा छूट गया होगा, ठीक है, ये छूट गया होगा, बोलो बोलो, ठीक है, ठीक, अब रख दो dy by dx में, देखो अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx equal to dy by dx equal to du upon dx का वैल्यू क्या रखेंगे, u, u का वैल्यू हम लोग क्या माने x का पावर x, ठीक है, x का पावर x रखो, u के बदले x का पावर x रखो, ठीक है, into क्या है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है, ये हो गया, प्लस देखो अब dv अपॉन dx तो v चला जाएगा, dv अपॉन dx क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो, क्या लिखे हम लोग y के पावर x, y के पावर x, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब log y प्लस x बाई y, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और यहां पे आ जाएगा क्या एक ब्रैकेट, मौसमी बनेगा ये वाला ब्रैकेट, अब बन जाएगा, मौसमी बताओ, ओके चलो लिख लो इसको 49 में दिया हुआ है log x प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आसान है मौसमी, ये तो बहुत आसान है, इसको इसमें यू भी कुछ नहीं मानना, 49 में बहुत आसान क्वेश्चन है, जो शुरू में बनाते आए थे वैसे ही बन जाएगा, देखो कैसे, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन इक्वल टू है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो y इक्वल टू दिया हुआ है log x प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये है हमारे पास, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक, अब देखो अगर हम लोग dy by dx निकालेंगे, ठीक, dy by dx निकालेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, हम लोग जानते हैं log के अंदर कुछ भी रहता है तो 1 by something, वो जो भी दिया हुआ है वो लिख देते हैं, ठीक है, 1 है ऊपर में 1 लिख दो, मतलब log का 1 by something, log x का क्या होता है 1 by x, ठीक है, तो log something दिया हुआ है तो 1 by something लिख देते हैं, ठीक है, 1 by something मतलब क्या है x प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो आ गया, ठीक, अब वन बाई समथिंग को कुछ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक, तो क्या आएगा, देखो देखो क्या होगा, x का क्या हो जाएगा वन प्लस
रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन वाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, जीरो प्लस टू एक्स, जीरो प्लस टू एक्स, ठीक है। ठीक, ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया, बोलो यहां तक समझ में आया, बोलो ये टू और टू कैंसिल, बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर में, यहाँ पे देखो ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस नहीं, इसका आंसर हमको लगता है गलत है, प्रूव दैट जो लिखा है ना, नहीं इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसमें इसमें कुछ छुटा हुआ है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, चेन रूल ही लगा रहे हैं सूरत, चेन रूल ही लगा रहे हैं, ठीक, इसमें कुछ छुटा हुआ है, इसमें ये तब होगा, इसमें कुछ छुटा हुआ, ठीक है, इसको हम देख लेंगे एक बार, ठीक, ये अगर यहां तक आया है तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सिर्फ और सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स जो आएगा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ वन प्लस, ये यहां तक आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये आएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आएगा, डीवाई बाई डी एक्स जो है वो सिर्फ ये आएगा, हाँ वन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ बस इतना ही आएगा, ठीक है, चलो वेरी गुड, बढ़िया, ठीक, 50 तक कंप्लीट, नहीं नहीं ये सही है, ना 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 ना, इसको एलसीएम लेंगे ना रोशन, इसको एलसीएम लेंगे ना तो एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये वाला ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60 तक बताओ, किसी को दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 60 अप टू क्वेश्चन नंबर 60, हाँ सूरज बोलो, सर वहाँ पर जो डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ पे, इसमें वगैरह कुछ गलती है, वन प्लस जीरो प्लस यहाँ पे कट जाएगा ना, ये कौन सा कट नीचे, कौन सा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर देखो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर देखो इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक, वाई बराबर लॉग एक्स प्लस, मतलब लॉग के अंदर कुछ समथिंग दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, डीवाई बाय डीएक्स नीचे में सर, हाँ सुनो इधर बगल, सुनो तो सही, पूरा सुनो, पूरा सुनो, पूरा सुनो, वाई बराबर इतना समथिंग दिया हुआ, ठीक है, ठीक, लॉग के अंदर जो भी रहेगा वन बाई समथिंग हो जाएगा, ठीक, यस सर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लॉग के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहला है x, x का डिफरेंशिएशन वन, वन लिख दिए, यस सर, प्लस अब रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा, यस सर, ठीक। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ
वन प्लस रूट अंडर वन सॉरी वन बाई टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, मतलब जीरो प्लस टू एक्स होगा, ठीक है। अब क्या किए, ये जो है ना वन प्लस ये जो ये दिख रहा है ना जीरो प्लस टू एक्स बाई टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू 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 काट दिए, ठीक है, टू और टू काट दिए। अब क्या किए, इसको हम एक स्टेप यहाँ पे हम उड़ा दिए हैं, ठीक है, उड़ा इसलिए है क्योंकि थोड़ा जगह कम पड़ रहा था इसलिए, ठीक। तो ये क्या किए, टू 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 कट गया, वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो ये वन के साथ क्या है, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर ऐसा नहीं हो सकता, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर साइड और प्लस एक्स स्क्वायर और बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं इधर साइड, किधर किधर साइड, मुझे तुम्हारा बात समझ में नहीं आ रहा है। इंटू के बाद सर नहीं नहीं वैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो क्या इसको, ये पूरा? यस सर, पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा दिख नहीं रहा है। देखो हम इसलिए इसको एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम ले लेंगे ना तो जो न्यूमरेटर का जो टर्म आएगा वो आएगा, देखो यहाँ पे एक्स बच रहा है, एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी है एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएगा इसलिए हम ला रहे हैं। समझ ये बोलना चाह रहे कि वन प्लस अलग कर देता सर दोनों को, जो पावर वन है ना ऊपर में, तो वन प्लस एक्स बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर करते तो आ जाता। अच्छा ये अलग अलग करना चाह रहे हो क्या, वन बाई एक्स लिख देते प्लस वन बाई, यस सर, अरे वो ऐसे ऐसे थोड़ी लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे ट्वेल्थ में ये सब सवाल पूछोगे यार, ये एक बट्टे तीन प्लस टू है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू ऐसा लिख सकते हैं क्या? वन जो इधर अलग किया ना सर, इधर साइड वन ये हाँ, उसको उसके ऊपर इधर पावर आएगा, एक्स एक्स नहीं रहेगा, एक्स बाय नहीं वो वैसे नहीं लिख सकते, नहीं होगा, नहीं वही चीज, नहीं वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ठीक सर, समझ में आया? यस सर, ठीक है, वो नहीं लग सकते, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 60 तक बोलो, क्वेश्चन नंबर 60 तक बोलो, सबका बन गया? क्वेश्चन नंबर 52, ओके, y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, देखो y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाय 4 को हम 45 लिख रहे हैं, 45 प्लस x बाय 2, ठीक, पाई बाय 4 को हम लोग 45 लिख रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 4 लिखो या 45 डिग्री लिखो, दोनों चीज सेम ही चीज है, ठीक है। अब देखो कोई बता सकता है कि क्या करें, कोई बता सकता है मुझे? देखो इसको ना आसान तरीके से कैसे बनाते हैं, ठीक, तुम लोग अगर थोड़ा सा 11th क्लास याद है तो ये प्रूफ किए होगे तुम लोग, टेन एक्स बाई टू टेन हाँ टेन ए प्लस बी में तोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान दो, ये हो जाएगा तुम्हारा वन प्लस टेन एक्स बाई टू, ठीक, डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक ठीक है, ये होगा, ठीक, ये तब होगा जब तुम लोग इसको टेन ए प्लस बी पे तोड़ोगे, ठीक है। इसको करने की जरूरत है क्या कि कैसे आया, मौसमी बोलो,
इसको बताने का जरूरत है कि कैसे आया? किसी को ऐसा लगता है कि ये बताना है कि कैसे आया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब लिख दो। तो y इक्वल टू लॉग 10π/4 + x/2 के बदले ये 1 + 10x/2 / 1 - 10x/2 कैसे लिखेंगे? लॉग 1 + 10 x/2 ठीक, माइनस लॉग 1 - 10x/2। किसी को दिक्कत इस स्टेप में? कैसे आ गया ये, क्या हो गया? ठीक, देखो इसमें क्या किए, ये पुट किए तो लॉग ए बाई बी का फॉर्म बन गया। अब हम क्या किए, लॉग ए माइनस लॉग बी कर दिए और कुछ नहीं, लॉग ए माइनस बी कर दिए। ठीक, अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अब बन जाना चाहिए, आई थिंक, हमको लगता है मौसमी अब बन जाएगा। मौसमी बताओ अब बनेगा? चलो वेरी गुड, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 by 1 + 10x/2 हो जाएगा और 10x/2 का हो जाएगा sec²x/2 माइनस लॉग बोथ साइड होगा। हाँ, लॉग बोथ साइड होगा। नहीं, लॉग बोथ साइड क्यों होगा, ऐसा ही क्वेश्चन ही है, वाई बराबर क्वेश्चन ही है, लॉग 10π/4 + x/2 लॉग क्यों होगा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 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 देखो सुनंदन, क्वेश्चन देखो। सर डायरेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन तुमको फिर वहां पे आगे जाके फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट बनाने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो यूज करने नहीं बोल रही है इस मौसम में, ये फॉर्मूला यूज करने नहीं बोल रही है। ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर तुमको बनाना है तो ये फॉर्मूला अभी यूज कर लिए, डायरेक्ट बनाएंगे तो ये फॉर्मूला लास्ट में यूज कर लेंगे, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ये फॉर्मूला। अगर तुमको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, 1 by 10 pi/4 + x/2 तो sec²π/4 + x/2, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला जो है वो उसके बाद पुट करना पड़ेगा, मतलब ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद बन जाएगा। ठीक है, बोलो मौसमी बनेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बनाना डायरेक्ट ना, ऐसे बनाना तो ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, और बताओ, 60 नंबर क्वेश्चन था, किसी को दिक्कत? बोलो बोलो, सूरज, गौरव, मनीष, ऋषि, बताओ क्वेश्चन नंबर 60 तक और कुछ पूछना है, किसी को पूछना है? दिव्या, चलो इसके बाद 66 तक है, 66 में किसी को दिक्कत? अप टू क्वेश्चन नंबर 66, देखो अभी भी अगर जो बनाए हो वो बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं बनाए हो किसी को दिक्कत है हमको पर्सनली मैसेज कर सकता है या ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर ये 61 हिंट कर दीजिए। लॉग ले लो, एफ एक्स की जगह वाई लिखो, वाई इक्वल टू समथिंग लिखो, फिर लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद डीवाई बाय डीएक्स को हम लोग, देखो डीवाई बाय डीएक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स ही बोलते हैं, ये चीज अगर बताया गया है मतलब 11th में बताना था, ठीक है, डीवाई बाय डीएक्स को ही हम लोग एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, ये चीज पता है कि नहीं, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो लॉग ले लो, हाँ
लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद जो एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स जो कॉमन आएगा उसमें वो जो आएगा उसके बाद एक्स बराबर जीरो पुट कर देना, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है। हाँ जो भी है, आंसर तो मुझे नहीं पता लेकिन जो भी है ठीक है, लॉग ले लो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलो और 66 नंबर क्वेश्चन तक बोलो। अब आते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, मीनाक्षी क्लास में है, एक मीनाक्षी कल सवाल पूछी थी डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक, देखो ये बहुत आसान है, अगर तुम थोड़ा सा मतलब ध्यान दो तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक, इससे आसान डिफरेंशिएशन में और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे, ठीक देखो कैसे। ठीक, वाई बराबर है, हाँ वाई मान लेने पे, हाँ वाई बराबर एक्स का पावर एक्स। ठीक, एक्स का पावर एक्स, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे है, ये समझ में आ रहा है कैसे है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे है? देखो ये चीज ये लिखा हुआ है, वाई इक्वल टू इसका पावर में बढ़ते जा रहा है ऐसे है। ठीक, वाई इक्वल टू एक्स का पावर 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 एक्स, ऐसे बढ़ते ही चला जा रहा है। ठीक, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो अगर अगर एक को यहां पे ढक दें, ठीक है ध्यान दो इधर, अगर इसको हम लोग हटा दें, ठीक एक एक्स को हटा दें, ठीक है सुनो ध्यान से सुनो, अगर ये एक्स को हम लोग हटा दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये तो वही बात हो गई कि एक समुद्र है, समुद्र में से एक बकेट जाके पानी निकाल लिए, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र को? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक्स को हटा दिए तो ये क्या रहेगा? ये वाई ही रहेगा। मतलब यहाँ क्या हुआ, ये वाई जो है ये समुद्र है। ठीक है, वाई में से एक एक्स हम निकाल दिए तब भी ये वाई ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तब क्या होगा? तब हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स का पावर, ठीक है एक्स का पावर वाई। इसे लिखने में किसी को दिक्कत है तो बोलो, फिर से समझा देंगे। वाई इक्वल टू एक्स का पावर वाई लिखने में किसी को दिक्कत है तो बताओ। शिवनंदन, सूरज, जेडी बताओ। ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये वाई का पावर वाई इक्वल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स है। ठीक है, और ये कहाँ तक है? अप टू इनफाइनाइट तक है। ठीक, इनफाइनाइट मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते कहाँ तक है। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हो ओशन, समुद्र, ठीक है सागर। ठीक, तो अगर ये वाला एक्स अगर हम निकाल देंगे, ठीक है यहां से क्या करेंगे, ये एक्स को हम लोग एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए, तब भी ये क्या रहेगा? वाई ही रहेगा। तब भी क्या रहेगा? ये पूरा का पूरा वाई ही रहेगा। तो ये जो हटाए है ना, वो हटा हुआ यहाँ लिख दिए, अब बाकी ये वाई लिख दिए। बस मेरे कहने का मतलब यही था।
ठीक है, तब इसको क्या लिख सकते हैं, बाकी वाई वाई ही रहेगा, एक्स जो हटाए थे एक्स ही रहेगा और ये वाई ही रहेगा, एक एक्स हटा दिया तो कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, अब वही चीज आ गया जहां पे हम लोग लॉग लेते थे, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू, लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स। अब ये डिफरेंशिएट होगा, बोलो, लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स। मौसमी समझ में आया, बोलो। ओके, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, देखो कितना आसान है। अगर इसके पहले वाला अगर बढ़िया से क्लियर हो गया तब फिर इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बस तुम्हें पहचानना है कि वाई कहाँ लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन कर मीनाक्षी पूछी थी, ठीक है, मीनाक्षी एक क्वेश्चन पूछी थी, देखना ग्रुप में हम सॉल्व करके भेजे हैं। ठीक है, आई थिंक हमको लगता है क्वेश्चन नंबर सेकंड या क्वेश्चन नंबर थर्ड था कल का जो सॉल्यूशन होगा ग्रुप में। ठीक है, ठीक, अब देखो नया क्वेश्चन, हाँ रूट वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है। देखो अब जो क्वेश्चन है y इक्वल टू लिखा हुआ है, y इक्वल टू, देखो रूट वाला क्वेश्चन अभी आ रहा है, ठीक, साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x प्लस साइन x, ठीक है, टू इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन मान लो ये रहेगा, ठीक, क्वेश्चन मान लो ये रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे रूट चढ़ा हुआ है इसका ऐसे है, ठीक ऐसे है, ठीक है, ये प्लस के बाद रूट है साइन पे। ठीक, देखो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो ना, ये जो है ना, ये देखो अगर इस रूट साइन एक्स को हटा दें, ठीक, ये रूट साइन एक्स को हटा दें तो ये पूरा का पूरा वाई ही है। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है? ऐसे देखो वाई इक्वल टू साइन x प्लस y, ठीक है, और ये इसे लिखने में किसी को दिक्कत है तो बोलो, इसको लिखने में किसी को दिक्कत है, वेरी गुड, यहाँ पर रूट छूट गया तुम्हारा, रोशन रूट नहीं छोड़ना है। मौसमी बोलो, ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें और एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक, तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो हम लोग को डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा, तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ये डिफरेंशिएट करना कितना आसान है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स, देखो कितना आसान है, आसान, देखो कितना आसान है ये, ठीक है, बोलो बनेगा ये, ठीक है, बनेगा, बोलो। अब यहां से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, टू वाई माइनस वन, ठीक, इक्वल टू कॉस एक्स, डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू वाई माइनस वन, डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू वाई माइनस वन, ठीक है, बोलो,
बोलो। ठीक, ऐसे ही सारा सवाल है। ठीक है, तो इसमें से 8 क्वेश्चन है 10G में। ठीक, आठों का आठों बहुत आसान है। ठीक है, आठों का आठों बहुत आसान है, बना लोगे इसे? ठीक है, बोलो। वेरी गुड, अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को। ठीक, इसको बनाना। ओके, चलो ठीक है।